नेक्स्ट कॉलर हैं पवन, राजस्थान से हमारे साथ स्वागत है पवन जी आपका। हेलो, हेलो, हाँ जी सवाल कीजिए। मोहनलाल प्रजापति बोल रहा हूँ मैडम। ठीक है, मेरे को बीपी भी है और गैस ज्यादा बनता है पेट में। हाँ, बीपी और गैस की प्रॉब्लम, उम्र बताइए, एज कब्ज बहुत बताइए, रहती है। एज बताइए अपनी। 53 वर्ष। हाँ देखिए, जहाँ पर भी हम 45, 40, 50, 53, 55 की उम्र में आते हैं, ये तकलीफ आनी होती है। बीपी, शुगर, गैस, ये आती ही है। बहुत कम ऐसे खुशनसीब होते हैं जिनको नहीं आती। और एक एक रॉ मटेरियल ऐसा भी है जो इन तीनों तकलीफ़ों पर काम करता है, शुगर पर, गैस पर, एसिडिटी पर, कब्ज़ पर, बवासीर पर, ये सब चीज़ों पर काम करता है। दवा एक है और वो है एक सिरका, सिरका, जैतून का सिरका। सिरका जैतून का मुश्किल से तो मिलता है, लेकिन आप ले लें किसी भी तरह से, और 2-3 चम्मच आप रोज़ाना पानी में डाल के एक बार या 2 बार ज़रूर पिया करें, लेकिन पानी मिलाकर ही पीना। काफ़ी तेज़ होता है, छोटे चाय के चम्मच, तो आपके ये तीनों रोग ठीक होना मुमकिन है। लंबे अरसे तक पियेंगे तो ब्लड प्रेशर को भी फ़ायदा मुमकिन है। जी इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हरियाणा से हैं, राजेंद्र जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, हेलो नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्कार जी। जी आदाब, आपकी हाँ आवाज़ जी, कम आ रही है। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए, सवाल कीजिए, तेज आवाज में बात कीजिए। पिंडलियों जी, पिंडलियों में दर्द होता है। हाँ में, जी, कितनी उम्र है मरीज की? 68 साल है जी। अच्छा, देखिए, एक ऐसी दवा भी है जो किसी भी किस्म के पिंडलियों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और वो एक रॉ मटेरियल है। बार बार मैं हर प्रोग्राम में बहुत बार बताता हूँ, और ये अकेली भी काम करती है और दूसरी दवाइयों के भी, लेकिन ये इसी के इर्द गिर्द सारी दवाइयाँ घूमती हैं। दुनिया की सारी दवाइयाँ इसके आसपास घूमती हैं, और उसे कहते हैं गौंद स्याह, यानी काला गौंद, आसान जबान में काला गौंद, नहीं तो हम लोग कहते हैं गौंद स्याह। यह आबनूस की का गौंद होता है, एक लकड़ी, एक पेड़ होता है आबनूस का, उसका गौंद होता है, वो पेड़ ही काला होता है। उसकी कभी बांसुरी बनाई जाती थी और उसका गौंद भी काला निकलता है, बड़ा ही बुरा, गंदा, कड़वा और बिल्कुल नापसंदीदा, लेकिन इसके फ़ायदे से सब चौंक जाते हैं, मैं भी चौंक जाता हूँ। पुराने पुराने मरीज, 10-10, 20-20 साल पुराने मरीज, अगर आधा ग्राम सुबह गौंदसिया खाएं, आधा ग्राम शाम, तो उनका ठीक होना मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर हैं हेमचंद, हरियाणा से हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्ते। जी नमस्कार, आदाब। मैं आर्मी से रिटायर हूँ डॉक्टर साहब, नमस्कार। जी आदाब, सैल्यूट आपको, हमारे देश की आर्मी से आप बात कर रहे हैं। अरे सर, मैं बड़ा खुश होता हूँ, आपके प्रोग्राम को डेली देखता हूँ मैं। अच्छा, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जीते रहिए। हाँ, और सर जी जो आप चीज बता रहे हो, इन चीजों पर मैं बहुत विश्वास करता हूँ। अरे ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, बताइए क्या सेवा है। मैं सर जी कभी हॉस्पिटल नहीं जाता, आपकी ऐसी चीजों का सेवन करता हूँ और शरीर सही रहता है जी। अरे फौजी आदमी है, मर्द आदमी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और कोई सवाल सर है? जी, हाँ सर जी, एक तो मेरा थोड़ा पेट साफ नहीं होता, ठीक है, और एक सर पैरों में जलन रहती है ठीक है। तलवों में जी, आपके पास कॉपी कलम होगा फौजी भाई? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी है जी। अच्छा देखिए, 200 ग्राम आंवला, 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम सौंफ, 200 ग्राम आंवला, 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम सौंफ और 200 ग्राम सौंठ, ये 800 ग्राम है, और इसमें 100 ग्राम काला गौंद, इसे हम लोग गौंद सियाह कहते हैं। ये नकली बहुत मिलता है फौजी भाई, आराम से लेना, ज़रा कड़वा होता है, बुरा सा ब्राउन कलर का, और रॉ मटेरियल लेना, कोई पिसा पिसाया देने लगे तो मना कर देना, नहीं मिले तो हमें बताना, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। तो 100 ग्राम गौंद सियाह इसमें मिला लीजिए,
और पाउडर घर पे बनाना, फौजी को किसी पर विश्वास नहीं करना, बस अपनी अपनी नज़र पर विश्वास करना है, और अपने नज़र के सामने जो दे वो सही, और रॉ मटेरियल लेके पाउडर बनाएं, एक एक ग्राम सुबह दोपहर शाम खाएं। और ये तो हुआ आपके दर्द का नुस्खा, और पेट के लिए कलौंजी ले लें, वो सॉरी पेट के लिए अलसी ले लें, 200-300 ग्राम खरीद लें, काफ़ी है, मैं खुद भी लेता हूँ, मैं इतने विश्वास से इसलिए कह रहा हूँ, अलसी ले लें, मैं तो 1-1 किलो ले लेता हूँ, और उसको ज़्यादा नहीं भूनना, थोड़ा सा भूनना है, और उसे जब भून जाए तो इसे निकाल कर पाउडर बना लें। अगर आपके दांत हैं तो चबा के खा लें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, और पानी पिए गर्म, या फिर पाउडर बना के रख लें और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं, 3 बार भी खा सकते हैं, तो आपको पेट का सिस्टम ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं अनीता, लखनऊ से हमारे साथ, स्वागत है अनीता जी आपका। मैम नमस्ते। जी नमस्कार। मैम हमारा लड़का है 30 साल का है, वो ड्रिंक करता है मैम, छोड़ नहीं रहा है किसी भी प्रकार से, और उसको पेनक्रियाज शुगर दोनों है। जी बहुत कम उम्र में उसको बच्चे को शुगर हो गई, और अब क्या कह सकते हैं कि छोटे बच्चों को भी होने लगे, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है, इतने कम उम्र लोगों की। देखिए जो भी दवाएं उनकी चलेंगी ज़िंदगी भर चलेंगी, और जब तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं आ जाती जिससे इससे निजात मिल सके, जब तक हम इसके साथ हमें जद्दोजहद करनी ही पड़ेगी, लड़ना ही पड़ेगा। तो जो भी दवाएँ देना चाहें दीजिए, लेकिन ये आता है एक सिरका, एक सिरका आता है उसको कहते हैं जैतून का सिरका, रात को 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के ज़रूर पिलाया करें, इससे इसको डैमेज नहीं होगा कुछ भी, और उसकी किडनी वगैरह वगैरह पूरे पार्ट ठीक रहेंगे, और जो दवाइयाँ खानी पड़ती हैं उस बच्चे को उसके नुकसानात भी झेलने नहीं पड़े, क्योंकि ये सिरका उनके नुकसानात को भी रोकता है, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, और सेहत का भी बहुत ख्याल रखता है। जी इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है रामनगर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताइए अपना। सुमन देवी का जी, सवाल करिए अपना, सवाल कीजिए जी, आप सवाल कीजिए अपना। हाँ जी बोल रहा हूँ। जी आ रही है आपकी आवाज, आप सवाल करिए। जी हेलो, नमस्कार। जी आदाब, बताइए क्या सेवा की जाए। जी बोल रहे थे, मेरी वाइफ का आज 12-10 साल से माथा में दर्द होता है, जो सर है ना एकदम ठीक बीच में ही दर्द 10-12 साल से हो रहा है। ठीक है। हाँ देखिए, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनमें एक्सरसाइज यानी फिजियोथेरेपी बहुत कारगर होता है, और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिसमें दवाइयाँ भी साथ में लेनी चाहिए, और ऐसे माथे के दर्द जो बहुत दिनों से हों उनके लिए मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ। देखिए अगर आपकी पत्नी देख रही हैं तो खुद समझ जाएंगे, नहीं तो आप समझा देना, ये एक्सरसाइज उन्हें करनी है, ऐसे करनी है, दिन भर कितनी भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मिनट तो ज़रूर करें, और ऐसे ऐसे 2-4 मिनट करें, सिर्फ ये करने से भी उनके दर्द ठीक हो सकता है, और अगर फिर भी नहीं हो तो कैप्सूल एस केयर लें एक रोज़ाना, और अगर 1 महीने फ़ायदा हो जाए तो कई महीने तक लें, और मुझे उम्मीद है कि उनको फायदा होना मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर है बंगाल से हमारे साथ, राजकुमार जी स्वागत है आपका। हाँ हाँ जी, प्रश्न कीजिए। हाँ बोलते जी, मैं शुगर थोड़ा 110-115 रहता है, शुगर ठीक है, शुगर 69 थोड़ा 1.6 है। अच्छा ये खाने के बाद है, दवा खाने के बाद है ना, फास्टिंग खाली पेट
दवा लेती हैं क्या शुगर की? हाँ शुगर का लेते हैं सर। ठीक है, तो देखिए है तो कंट्रोल में, लेकिन ये जो शुगर की दवाएं खाते हैं इसके नुकसान बहुत होते हैं, और खाली पेट 100 से नीचे हो तो बहुत अच्छा है। अगर बिल्कुल ही लिमिट में करना है तो 100 से नीचे होनी चाहिए। रात के समय 3 चम्मच जैतून का सिरका, सिरका आता है विनेगर जिसे कहते हैं, 1 गिलास पानी में डालकर इनको ज़रूर पिलाया करें। ये पूरे पूरा जीवन सेहतमंद गुजार सकती हैं, और वो दवा भी देते रहें जो ये लेती हैं, और पूरी ज़िंदगी तंदुरुस्ती से इनकी गुजर सकती है। बिल्कुल हकीम साहब, जैसे शुगर के पेशेंट बहुत सारे हमारे साथ जुड़ते हैं, तो शुगर होने के कोई सिम्टम तो होते होंगे जिससे कि पहले ये पता चल जाए कि हमें शुगर होने वाली है, जिससे कि शुरुआती दौर में ही हम इसको कंट्रोल कर सकें, ये बढ़ ना पाए? हाँ देखिए, वैसे तो हर बीमारी अपना इशारा पहले देती है। जी, जैसे बारिश आने वाली हो तो बादल आते हैं, ऐसे जिस्म में भी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो परिवर्तन हमें महसूस तो होने चाहिए। बिल्कुल, मतलब अगर कोई आदमी ऐसा है बेफिक्रा के सुस्ती आ रही है तो आने दे, नींद आ रही है तो आने दे, और जिस्म कमज़ोर सा लग रहा है, पैरों में अजीब सा झंझनाहट सी हो रही है, ये सब होता है, अलग अलग सबको होता है। जी। और प्यास ज़्यादा लग रही है, बिल्कुल, ये सब सिम्टम है। भूख ज़्यादा लगने लगी, मोटा ज़्यादा होने लगे, या आदमी के हाथ पैर पतले पतले होने लगते हैं और पेट ऐसा होने लगता है, मुंह इतना हो जाता है। शुगर पेशेंट का स्ट्रक्चर जो है यहाँ से ऐसा होता है जैसे कोई मरीज, और यहाँ से ऐसा होता है जैसे कोई पहलवान। तो ये सब देखना ज़रूरी है। 40-45 के साल के बाद सब लोग अपने को शुगर पेशेंट समझें अगर वो अपना ख्याल नहीं रखते हैं, और वो लोग जो 5 गिलास पानी रोज़ पीते हैं और 1 घंटा पैदल चलते हैं, अगर शुगर पेशेंट भी हैं तो स्वास्थ्य जीवन गुजार सकते हैं। दवा ज़रूरत में कोई भी दवा आप ले सकते हैं, एलोपैथिक लें, एलोपैथ तो लेनी पड़ती है। एक दवा मैं बताता हूँ अक्सर, जैतून का सिरका, ये इसलिए बताता हूँ कि ये 3-4 काम एक साथ करती है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ये पेट को ठीक रखती है, ये शुगर को कंट्रोल करती है। ये जो दवाएँ आप गर्म खाते हैं उनके नुकसान से बचाती है, किडनी को, लीवर को, आँखों को, आँतों को, क्योंकि ज़्यादा आप शुगर की दवा खाएंगे तो फिर आप इंजेक्शन पर आ जाएंगे, डायलिसिस पर आ जाते हैं। तो ये जो मैं जैतून का सिरका बताता हूँ ये उन सब चीज़ों से बचा के रखता है। जी चलिए नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। हेलो, हाँ नाम बताइए। ज्ञान सा मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ जी सवाल करिए। जी बताइए। हाँ जैतून का सिरका हमने मंगाया था। ठीक है। जैतून का सिरका मंगाया था हमने। जी आप 10 दिन पहले हमने ऑर्डर किया था, वो मुझे मिल गया है। अच्छा जी, उसके खाने की प्रयोग करने की विधि क्या है, और मुझे जो दिक्कत थी समाधि और हाई ब्लड प्रेशर की, क्या उसमें इसका मिश्रण है? देखिए हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ में ही काम करता है, और रात को 2-3 चम्मच आप लिया करें पानी में डालकर, ये तेज़ बहुत होता है, पानी मिलाकर रात को सोते समय पी लिया करें। ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, दिल और दिमाग की रगों को साफ रखता है, कोलेस्ट्रॉल से कम करता है, बाज रखता है, और आपके पेट का भी ख्याल रखता है। अस्थमे के लिए आपको कोई और दवा लेनी चाहिए, और माजून आर केयर ले सकते हैं अस्थमे के लिए, लेकिन 5-6 महीने तक लेनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अस्थमा है तो उससे भी ज़्यादा लेनी पड़ सकती है।